सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्लाई एयर। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपडेट दूंगा अकासा एयर में जो भी वैकेंसी आई है उनके बारे में। दोस्तों, एयरलाइन नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, और इसमें अगर किसी को भी जॉब मिलती है तो उसके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि दोस्तों इस एयरलाइन को जो लीडर्स लीड कर रहे हैं वो मार्केट के एविएशन इंडस्ट्री के बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉलेजेबल पर्सन हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल आपके काम का है, सब्सक्राइब करके बेल में ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। और जॉब ढूंढने का मैं आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन रेकमेंड करता हूं, लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पे क्लिक कीजिए, मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और जॉब ढूंढना चालू कीजिए। सबसे खास बात, इस एप्लीकेशन के थ्रू एक पैसा भी नहीं लगता। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख पा रहे हैं मैं हूं अकासा एयरलाइन की वेबसाइट पे, यहां पर आने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे इस पेज पे, और दोस्तों यहां पर देख पा रहे हैं ये लिखा है व्यू ओपनिंग्स। जब मैंने यहां पर क्लिक किया तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये वो सारी वैकेंसीज हैं। सबसे टॉप में दोस्तों जो वैकेंसी शो कर रही है ये है केबिन क्रू की, जो कि फ्रेशर्स के लिए यहां पर रिफ्लेक्ट कर रही है। नंबर ऑफ पोजीशंस हैं वो है 100, और अगर वर्क एक्सपीरियंस में बात की जाए तो दोस्तों यहां पर दिया है फ्रेशर्स, यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बात ध्यान देने की है, जो लोग 30 डेज पहले किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर चुके हैं उन्हें दोबारा से इसमें अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आप इनको एक बार पढ़कर समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो इन्हीं में से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। सबसे नीचे दोस्तों आप आएंगे तो आप यहां पर देख पा रहे हैं लोकेशन में बोल रहा है कि आपका ट्रांसफर कहीं भी हो सकता है, और ऐसे भी केबिन क्रू की जॉब तो घूमने वाली होती है। रिक्वायरमेंट्स में दिया है इंडियन नेशनल होने चाहिए, वैलिड पासपोर्ट, आधार कार्ड होना चाहिए। मिनिमम एज फ्रेशर्स के लिए है वो है 18-28 ईयर्स, यानी 18 साल से 28 साल। मिनिमम हाइट फीमेल के लिए दिया गया है 157 सेंटीमीटर और मेल के लिए 170 सेंटीमीटर दिया गया है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन टेल प्लस 2 दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए, आप DGCA के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग फिट होने चाहिए। BMI की बात करें तो फीमेल के लिए 18-22 और मेल के लिए 18-25 यहां पर दिया गया है। कोई भी विजिबल टैटू या मार्क्स नहीं होने चाहिए, और जॉब के नेचर को देखते हुए आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए कहीं भी ट्रैवल करने के लिए, शिफ्ट में काम करने के लिए। की बात करें तो खुद ही अकासा बोल रही है, आप देख पा रहे हैं कि जो भी आपको बताया गया है यहां पर या फिर केबिन क्रू से रिलेटेड जो भी नॉलेज आपको है, आप उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा डीप स्टडी जरूर कर लीजिएगा। जो अगली वैकेंसी है दोस्तों वो आप देख पा रहे हैं, ये है एक्सपीरियंस केबिन क्रू की। यहां भी वही चीज है, 30 डेज के आसपास अगर आपने अप्लाई किया है तो अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर रिक्वायरमेंट्स के रिगार्डिंग बात की जाए तो आप यहां पर देख पा रहे हैं इंडियन नेशनल, वैलिड पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड, और आप 39 इयर्स तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाद बाकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी सेम है। और दोस्तों अब हम बढ़ते हैं जो अगली वैकेंसीज यहां पर रिफ्लेक्ट कर रही हैं उनके बारे में, और वो है मेडिकल लाइन में डॉक्टर MBBS, DGCA अप्रूव्ड, ये आपको आ जाता है इंजीनियरिंग में, DGCA अप्रूव्ड, B73 क्वालिफाइड SAP। इसके अलावा बाद बाकी जो चीज़ें हैं आप देख पा रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट एड इंस्ट्रक्टर का भी यहाँ पर जॉब है, और फाइनली DGCA अप्रूव्ड रिसोर्स मैनेजमेंट। आप जिस किसी में भी अप्लाई करना है दोस्तों, यहाँ पर आई एम इंटरेस्टेड है, इसको क्लिक करेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर वेब पेज खुलता है। यहाँ पर अप्लाई करने के 3 तरीके हैं, या तो अपने रिज्यूम को अपलोड कर, या फिर इजी अप्लाई से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अप्लाई विथ इंडीड, और नहीं तो सिंपल जो पार्ट है, जो भी यहाँ पर फॉर्म आप देख पा रहे हैं, आपको इस फॉर्म को यहाँ पर फिलअप करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सारी चीज़ों को यहाँ भर सकते हैं, और फाइनली अटैचमेंट इन्फॉर्मेशन में अपनी फोटो और रिज्यूम को आप अटैच करेंगे। यहाँ जो कैप्चा है कैप्चा को फिलअप करके फाइनली सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म पे सबमिट कर देंगे, और उसके बाद अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है तो आपके पास इंटरव्यू के लिए मेल जरूर आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप इसमें से किसी के लिए भी एलिजिबल और इंटरेस्टेड हैं तो आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। चैनल काम का लगा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।